एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन की 4 डिब्बे पटरी से उतरे। उत्तर प्रदेश के कानपुर रेलवे स्टेशन पर रेल हादसा सामने आया है। यह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 4 ट्रेन के कोच के डिब्बे पटरी से उतर गए है। हालांकि इस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। मुंबई के भाईकुला लकड़ी मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के 8 गाड़ियां पहुंची। बुधवार तड़के मुंबई के एक लकड़ी मार्केट में अचानक आग लग गई। भाईकुला के लकड़ी मार्केट में लगी आग से फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की खबर सामने नहीं आई है। फायर टेंडर की 8 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और साथ ही 10 पानी के टैंकरों का भी इस्तेमाल किया गया। दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। हैदराबाद एयरपोर्ट पर मंगलवार शाम इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान को उस समय आपात स्थिति में उतारना पड़ा जब अचानक कॉकपिट में धुआं भर गया। भारत का चीन को कड़ा संदेश, कहा एलएसी पर वह 100 बार घुसे तो हम 200 दफा अंदर गए। पूर्वी सेना कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरवाने ने मंगलवार को कहा कि अब हम 1962 की सेना नहीं है और अगर चीन कहते हैं कि इतिहास मत भूलो तो हम उन्हें भी यही बात कहेंगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।